नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक बार जीरो मेल किचन चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटर की चटनी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं। डालते हैं कुकर में, तो ये देखिए टमाटर हमारा परफेक्ट तरीके से उबल के रेडी हो गया। तो अब क्या करेंगे हम कि टमाटर को ऐसे इस तरह से एक एक करके सारे को बॉल में निकाल लेना है और पानी को इसके अंदर ही छोड़ देना है। और ध्यान रहे पानी फेंकना नहीं है हमें, क्योंकि टमाटर का ही पानी है, हमने अलग से इसमें पानी नहीं डाली है। और अब एक एक को छील कर निकाल लेना इस तरह से। तो ये देखिए हमारा सारा छिलका निकल गया। और इसके सहारे से इस तरह से हम टमाटर को मसल लेंगे। इस तरह से आप टमाटर की चटनी बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टेस्टी भी लगता है खाने में और देखने में भी काफ़ी लजीज दिखता है। और जो टमाटर का एक्स्ट्रा पानी जो बचा था हम इसमें वापस डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। तो ये देखिए तेल हमारा गरम हो गया है। अब इसमें हम जो डालेंगे आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम इसमें जीरा ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च दो, आपको जितना भी तीखा चाहिए डाल सकते हैं, बट टमाटर की चटनी तो थोड़ा मीठा ही सबको पसंद है। और इसमें 3 से 4 पत्ते डाल देंगे। अभी हमारा जो टमाटर है इसको इसमें इस तरह से ऐड कर देंगे। चार से पाँच मिनट पकाएंगे इसको इसी तरह से। जितने मात्रा में आप टमाटर लिए हैं उसी के हिसाब से हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। फिर वापस इसको इस तरह से चलाएंगे हम और फिर गुड़ पिघलने का वेट करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे इमली की पानी, बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट और ये भुजा हुआ मसाला जो इसमें जीरा है, लाल मिर्च है, गोल मिर्च है और धनिया पाउडर। अब इसको वापस फिर से 5 मिनट तक पकाएंगे और बिल्कुल पक करके परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाएगा हमारे टमाटर की चटनी। तो ये देखिए हमारा टमाटर का चटनी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनके रेडी हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट। तो ये मखाना का लावा है और काजू है 6 से 7 और थोड़ा सा नारियल है। आप चाहे तो और इसमें ऐड कर सकते हैं, बट हम फिलहाल अभी इतना ही ऐड किए। तो हाँ, प्लीज़ हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बताइए आपको ये टमाटर की चटनी की रेसिपी कैसी लगी। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।